बड़ी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ताजा लिस्ट में जारी किए गए 9 नामों में थानेसर से अशोक अरोड़ा, गनौर से कुलदीप शर्मा, उचानाकला से ब्रिजेंद्र सिंह, तोहान से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, मेहम से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया। पार्टी ने इससे पहले 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। कांग्रेस पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 6 सितंबर को 32 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की गई थी। पार्टी ने पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गहरी सांपला किलोई सीट से मैदान में उतारा है। इसके अलावा सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, रोहतक से भरत भूषण बत्रा को टिकट दिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर भी बातचीत में है। राज्य में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कल मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने जल्द ही गठबंधन फाइनल किए जाने की बात कही है। हालांकि मीडिया से बातचीत में दीपक बाबरिया ने बताया कि अगले 2 दिन में गठबंधन पर बात तय हो जाएगी और हो सकता है कि उम्मीदवारों की लिस्ट में बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान दल। बड़ी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ताजा लिस्ट में जारी किए गए 9 नामों में थानेसर से अशोक अरोड़ा, गनौर से कुलदीप शर्मा, उचानाकला से ब्रिजेंद्र सिंह, तोहान से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, मेहम से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया। पार्टी ने इससे पहले 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। कांग्रेस पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 6 सितंबर को 32 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की गई थी। पार्टी ने पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गहरी सांपला किलोई सीट से मैदान में उतारा है। इसके अलावा सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, रोहतक से भरत भूषण बत्रा को टिकट दिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर भी बातचीत में है। राज्य में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कल मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने जल्द ही गठबंधन फाइनल किए जाने की बात कही है। हालांकि मीडिया से बातचीत में दीपक बाबरिया ने बताया कि अगले 2 दिन में गठबंधन पर बात तय हो जाएगी और हो सकता है कि उम्मीदवारों की लिस्ट में बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान दल। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।